हम एस्पायरेट करना होता है. इसका ना हमने एस्पायरेशन करनी होती है जो रिटर्न प्रोडक्ट कंसेप्शन उसमें रह जाते हैं यूट्रस में ना. अब इसके ना मैकेनिज्म होता है कि हमने इसको किस तरह से ऑपरेट करना होता है. वैसे तो हमने रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के लिए क्या क्या करते हैं, डीएनसी भी करते हैं, ईएनसी भी करते हैं, और ये मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेटर भी यूज़ होता है, और एक सक्शन वैक्यूएशन भी होती है. लेकिन जो सबसे अच्छा होता है ना, सेफ होता है ये होता है, क्योंकि ये आगे से ना इसका ये सारा प्लास्टिक सा होता है. प्लास्टिक वाला ना डैमेज नहीं करता टिश्यू को. अगर वही लोहे वाला हो जैसे स्पन होल्डिंग फोर्स है, तो डीएनसी में यूज़ होता है, उससे ये यूट्रस के लिए डैमेज हो जाती है. ठीक है, अब इसके ना पार्ट्स हैं और इसकी असेंबलिंग डिसअसेंबलिंग है, और इसको यूज़ कैसे करना होता है ये मैं खोल रही हूँ. इसको देख लो कैसे खोलते हैं. इसी हिसाब से हमें दोबारा असेंबल भी करना है. पार्ट्स मैं आपको बता देती हूँ. ये जो है ना, ये इसका क्लैस्प है, ठीक है, और ये इसका है बॉल बटन, ठीक है, और ये है आगे कैप लगाते हैं, ठीक है, और ये जो है ये सिलेंडर है, और ये प्लंजर है, ये प्लंजर का हैंडल है, ठीक है. अब इसे असेंबल कैसे करते हैं, ये ऐसे करके इसको दोबारा वापस ये कैप इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे, ठीक है. अब पीछे वाले पोर्शन को कैसे अरेंज करना है, ये इसके अंदर प्लंजर सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है. और ये होती है कॉलर, इसका ये होता है कि ना जब हम इसे खींचते हैं ना बाहर प्लंजर को, तो ये जो कॉलर नेक होती है ना, ये इसको बाहर नहीं आने देती, होल्ड कर देती है इसको, ये सुराख के अंदर लेके जाना है. अब इसको ना लोड करने का तरीका होता है, वैक्यूम हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया ना, तो इसको इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है. ये जो बॉल बटन होते हैं इसको प्रेस करके फॉरवर्ड मूव करना, ठीक है, इसको भी प्रेस करके फॉरवर्ड मूव करना. फिर उसके बाद इसको वैक्यूम खींचना होता है, तो अंदर से ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है. अब जब हमने ये कैनूला होते हैं डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है, अब तकरीबन 8 से 11 मिलीमीटर तक होते हैं साइज़ ना इसके. वो हमने सब इसके ओपनिंग पर डिपेंड करता है कि कितने वो ओपन हुई हुई है, उसके मुताबिक हमने कैनूला इंसर्ट करना होता है, ठीक है. जैसे ये है ना सर्विस के इंटीरियर लिप को पकड़ के फिर हमने कैनूला अंदर डाल देना होता है, उसके बाद ये इसको अटैच करना होता है इसके साथ, ठीक है. अब ये सर्विस के अंदर यूट्रस के अंदर ये वाला पोर्शन पड़ा है, ठीक है, ये वाला बाहर है. तो हम जब इसका अंदर डाल देते हैं ना, तो इसका ये वैक्यूम में इधर आना चाहिए ना, तो ये वैक्यूम रिलीज़ करता है, तो एक आवाज़ भी अभी आएगी, और जो अंदर रिटेन प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं ना, वो इसको सक्शन कर देता है अंदर ना, ये देखो, ठीक है, इस आवाज़ के ज़रिए वो मतलब सारे अंदर चला जाता है, ठीक है. 2-3 दफ़ा हम तकरीबन करते हैं, उसके बाद सारे वो आरपीसी इसके वैक्यूएट हो जाते हैं वहाँ से, ठीक है. बस इसका यही होता है, इसकी लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, और बाकी इसका हाँ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स अपने याद करना, ठीक है. एक दफ़ा तो वैक्यूम रिलीज हो गया है.